recipient of this award, Dr. Rakesh Bakshi. Could we have the video, please? सभी भारतवासियों को राकेश बख्शी का सलाम। दोस्तों, हम सिविलियंस सीमाओं पर तो नहीं जा सकते, पर सीमाओं के अंदर रहते हुए इस तिरंगे की आन बान और शान को तो बनाए रख सकते हैं। हमारे फौजी इस देश के लिए अपनी जान दे देते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। हम सब इस झंडे को फहराते हैं तो हम हर धर्म, हर जात और हर राज्य से ऊपर उठ जाते हैं। हम सब में भी एक चिंगारी है अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की, और आज मैं उस चिंगारी को एक मशाल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आइए इस मशाल को और ऊंचा देश भर लेके चले। मैं फौजी का बेटा हूँ और मेरी ये बहुत दिनों से इच्छा थी, मेरा एक सपना था कि मैं नेशनल फ्लैग को प्रमोट करूं। सिविलियंस को कभी भी फ्लैग को हाथ लगाना मिलता ही नहीं है, नॉट 0.1%। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी सिविलियन हूं, और फौज में मैंने सब देखा, मगर मुझे कभी ये इच्छा पूरी नहीं हुई कि मैं फ्लैग को हाथ लगा सकूं। मन में झंडे के प्रति प्रेम और जुनून होने के कारण टीके फ्लैग फाउंडेशन के श्री राकेश बख्शी ने कुछ ऐसे कार्य किए जो अपने आप में एक मिसाल बन गए। जगह जगह पर इस तिरंगे की स्थापना की। डीके फ्लैग फाउंडेशन। राकेश सर, I think Suchitra, the award needs to be shown first. Chintan? Yes. Raju Dhomant. Could we have the video? Can we see the award, please? Chintan, I think the award is the end. सभी भारतवासियों को राकेश बख्शी का सलाम। दोस्तों, हम सिविलियंस सीमाओं पर तो नहीं जा सकते, पर सीमाओं के अंदर रहते हुए इस तिरंगे की आन बान और शान को तो बनाए रख सकते हैं।
हमारे फौजी इस देश के लिए अपनी जान दे देते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। हम सब इस झंडे को फहराते हैं तो हम हर धर्म, हर जात और हर राज्य से ऊपर उठ जाते हैं। हम सब में भी एक चिंगारी है अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की, और आज मैं उस चिंगारी को एक मशाल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आइए इस मशाल को और ऊंचा देश भर लेके चले। मैं फौजी का बेटा हूँ और मेरी ये बहुत दिनों से इच्छा थी, मेरा एक सपना था कि मैं नेशनल फ्लैग को प्रमोट करूं। सिविलियंस को कभी भी फ्लैग को हाथ लगाना मिलता ही नहीं है, 0.1%। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी सिविलियन हूं, और फौज में मैंने सब देखा, मगर मुझे कभी ये इच्छा पूरी नहीं हुई कि मैं फ्लैग को हाथ लगा सकूं। मन में झंडे के प्रति प्रेम और जुनून होने के कारण टीके फ्लैग फाउंडेशन के श्री राकेश बख्शी ने कुछ ऐसे कार्य किए जो अपने आप में एक मिसाल बन गए। जगह जगह पर इस तिरंगे की स्थापना की। डीके फ्लैग फाउंडेशन। Shikarda, Rakesh Bakshi. He is an ex-Rotarian also. Hi Rakesh, I just saw the video and I'm so happy that you are doing this. You know, मुझे भी ये लगता है, कितनी बार लगता है कि हर देशवासी को बड़ी स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने फ्लैग को छूने की, टच करने की, उसे किस करने की। इससे कुछ अच्छा ही होगा देश के लिए, और प्रेम है और ज्यादा ही जागेगा। I was so happy when Naveen Jindal fought for that right, and I'm so happy now to see that you are doing the same thing and now taking it to the masses. Excellent work, outstanding work. My compliments to you, and you very well deserve this award. Thank you very much. Thank you. So Rakesh, tere ko kya kahun? Pyar ki jhappi and all the best. Thank you. My dear friend, DG Rotarian Sunil, First Lady Shilpi, all the distinguished guests, RI dignitaries, district dignitaries, and my friends in Rotary. I'm really humbled that you have invited me for this, and I salute to all the warriors in Rotary. I know I have been in Rotary for 25 years. I am not manufacturer of the flag or flag post. I tell you, this is not my vocation. But it's my passion and my vision is, because hum log is tirange ko sirf 26 January aur 15 August ko yaad karte hain, so mera vision yahi hai ki this tiranga should be visible to citizens every day, everywhere, every corner, day and night. This is my vision, and my mission is to install 100 feet, 150 feet and more than that in every city, every building, every corner, so that citizens can view this. I want to bring flag to close to their heart, to the citizens,
And I also want to appeal that we wear this lapel pin every day. Me and my organization, everybody wear every day. They are recognized by this. And I promise if Rotary GSE team or any international team going abroad, I'm ready to sponsor the lapel pin, whether it is in thousands, 10,000s, I'm ready to do that. Is Rotary pin ko pehenne se, I tell you, I have experience when you wear it, aapki chhati, main jisko bhi lagata hoon, unki chhati aise seena chauda ho jata hai, and you wear it with pride, ki ye tiranga hamara hai. This is the feeling I want that everybody every day should feel this. And this is my mission. And now my appeal to Rotary, to all the dignitaries, that please, jaise Shekhar ji ne bola, please include the flag, educate about the flag to the schools, the colleges, citizens, Rotarians. There is fear about flag. There are apprehensions about flag. So I am there with you, which Naveen ji has given us the right to citizen to fly the flag. You can fly in your office, you can fly in your building. So make this as a project in the club, in your area. I know DK Flag Foundation is a one-man army, but even then I'm trying my best in my capacity to install flags. Till today I have done about 15 flags, and the highest flag we have done at Hajj House, making that building the first building in the world, 20th floor, 100 feet flag. Nowhere in the world we have done that. So this is what we want to achieve as a civilian. I believe Rotary can be the platform to promote this and take this as a project of every year, because I know theme of my year was consistency, continuity and credibility, and I'm maintaining that. And I want that all the Rotarians president should maintain this theme. Once again, I'm thankful to DG and his core team thoughtfulness to bring the flag as a topic on this forum and given me chance to express what we can do together. I'm thankful to you from my core of heart. And today my antibodies have increased because I'm in quarantine of the last day. So my antibodies is certainly increased. I'm really thankful to you. And I want to say, वक्त कम है, वक्त कम है, जितना है जोर लगा दो. आप लोगों को मैं जगा रहा हूं, बाकियों को आप जगा दो. जय हिंद. Thank you, Rakesh. Thank you so much. Rakesh, you'll be happy to know, मेरी थीम भी consistency, continuity, credibility थी, क्योंकि उस साल मैं district governor था, आज से 21 साल पहले. He was the president then, sir. Yeah, I could understand that. Rotary Club of Amarnath. Wonderful. Yes, sir. Thank you, Rakesh. Thank you very much once again. Thank you so much. Congratulations, Rakesh ji. But that was really inspiring to hear that. And I totally agree. Every time one does see the Indian flag, no matter where in the world you are, seena taan ke khade rehte hain. It's very, very true. I totally agree with what you said.